हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज मैं शेयर करूंगी दो तरह के एक सैंडविच, और वो भी एक ही सामग्री से मैंने बनाए हैं। तो चलिए बनाते हैं इसे। सबसे पहले यहाँ पे मैंने धनिया पत्ते को बारीक कट कर लिया है, और 3 से 4 हरी मिर्च को भी मैंने बारीक कट कर लिया है। 1 बड़े प्याज को भी मैंने यहाँ पर कट कर लिया है। और यहाँ पर सबसे पहले मैं 1 ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा तवा गरम हो चुका था और इसमें मैं ऑयल ऐड कर दी हूँ। और सबसे पहले मैं इसमें 1 अंडे को तोड़ करके हाफ मैंने यहाँ पे डाला है, और इसमें मैं नमक टेस्ट के अनुसार और हल्का सा मैं इसमें जीरा पाउडर भी डाल दूँगी। और जो मैंने 1 ब्रेड लिया था उसे मैं इस पे रख दूंगी, और हाफ अंडा जो मेरा बचा हुआ है येलो वाला जो पार्ट होता है उसे मैं इसके ऊपर ऐड करूंगी और इसे फैला दूंगी। और अब इसके ऊपर जाएगा कटा हुआ प्याज, कटा हुआ हरा मिर्च और धनिया पत्ता। और फिर इसके ऊपर जाएगा स्वादानुसार नमक और हल्का सा जीरा पाउडर, और इसे मैं दूसरे साइड से भी पलट लूँगी। आप इसका लुक देख सकते हैं, ये कितना अच्छा दिख रहा है। और यहाँ पे मैं इसमें साइड से ऑयल फिर से ऐड कर रही हूँ, क्योंकि ऑयल मेरा कम हो चुका था। और इसे पलट करके ब्राउन होने तक सेक लेना है। तो यहाँ पे मेरा एक सैंडविच बन करके रेडी हो चुका है। तो चलते हैं अब दूसरे प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने फिर से 1 ब्रेड लिया है, और इस ब्रेड को मैं किनारों को छोड़ करके इसे बीच से कट करूँगी चारों तरफ से। आप देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरीके से इसे कट करना है। और यहाँ पे मैंने एक छोटा सा बाउल लिया है, इसमें मैं 1 अंडे को तोड़ करके इसमें ऐड कर दूंगी, और इसमें जाएगा कटा हुआ प्याज, कटा हुआ हरा मिर्च और कटा हुआ धनिया पत्ता, और नमक अपने टेस्ट के अनुसार ऐड करें, और इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा पाउडर, और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और ये अब मिक्स हो चुका है, और यहाँ पे मैं तवे पे ऑयल डालूँगी, और इसके ऊपर ब्रेड का जो कटा हुआ स्लाइस है उसे मैं पहले डाल दी हूँ, और इसके अंदर जाएगा अंडे का ग्रेवी। और जो कटा हुआ स्लाइस था उसे अब इसमें ऐड करना है, और इसे हल्के हाथों से प्रेस करते हुए इसे दबाना है। और जो थोड़ा सा बचा हुआ था अंडा का ग्रेवी वो मैं ऊपर से इसमें ऐड कर दे रही हूँ, और इसे पलट करके ब्राउन होने तक सेक लेना है। आप देख सकते हैं ये सबसे इजी और सिंपल रेसिपी है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप इस एक सैंडविच को ज़रूर ट्राई करें, और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए रेसिपी के साथ। बाय बाय।